की डेंटिंग पेंटिंग ही नहीं होती सिस्ट्रोलॉजी हाउस में, हमारे अब्बा दरवाजों की भी डेंटिंग पेंटिंग कराते रहते हैं। ये पापा का लोगों ने करा लंदन से लेके आई है, इतना बड़ा साइज है। अब आवाज भी नहीं निकल रही इसकी, शूटिंग कर रही हूं। जाला इधर कितनी आग लगी हुई है यार, ये बच्चा आग लगा रहा है। आग क्यों लगा रहे हो? ये हल्की आंच नहीं है गाइस, आज मेरे व्लॉग में फुल आंच लगी हुई है। वो इधर चला गया यार, ये बच्चा देखा पकड़ा गया। सर्दियों में कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं, जूते बहुत ज्यादा होते हैं, पैंट्स बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस घर में लड़कियां बहुत ज्यादा है। फातिमा जो है वो फुल ऑन तैयार हो चुकी है, बस थोड़ा सा उसका रह गया, चेंजिंग वेंजिंग करेगी और डैडी हमारा कब से वेट कर रहे हैं। फातिमा जल्दी, कितना टाइम है यार? बस 10 मिनट और, अब जल्दी तुम्हारा वेट कर रहे हैं पापा। लैड्स को आज से बाय बाय, टीचर को अपनी चलाकियां सुना के आ जाना। अभी नीचे आई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ना रंग रोगन का काम हो रहा है, ये देखे, क्योंकि हमारे ना यहाँ का पेंट उतर गया था और यहाँ पे दरवाजे का हो रहा है इस वक्त पेंट, और ये दरवाजा चकाचक हो जाएगा। देखें ये रोगन, तो सिर्फ मुंह की डेंटिंग पेंटिंग ही नहीं होती सिस्ट्रोलॉजी हाउस में, हमारे अब्बा दरवाजों की भी डेंटिंग पेंटिंग कराते रहते हैं। मुझको चाहिए नाश्ता, खुद ढूंढना पड़ना है। अंडा है और स्लाइस है। अगर यूनिवर्सिटी जाना होता ना, एक तो वो टाइम पे उठता है, दूसरा वो टाइम पे तैयार होता है, और तीसरा पापा की जैकेट निकाल के नहीं बैठा होता। तुम कह रही हो इसके साथ ब्राउन का कॉम्बो चलता है, तो मैं अपना ब्राउन दूसरा कोट ऊपर पहनाती हूँ। डफर सी, ये पापा का लोगों ने कहा लंदन से लेके आई है, इतना बड़ा साइज है, तो पापा का है। पर दिखा दो भाई, ये लंदन का नहीं है। नहीं, लोगों को लगेगा कि खुद इस टैलेंट, लोगों को मैं जाके कहती हूँ एक्सक्यूज मी ये मेरे पापा का है, एक्सक्यूज मी ये मेरे पापा का। तुमने लंदन से आई, तुम्हें मम्मा ने रेडी से उठाया था बचपन में। ये देखिए मोटा भालू बनते हुए। अब दांत क्यों निकल रहे हैं? मेरे दांत इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि तुम्हें जैकेट भी नहीं पहनना आती है सही से, ये बियर लग रही हो छोटा। गाइस ये यूनिवर्सिटी कम और फैशन शो ज्यादा है, मैंने तो चलो अपनी एक मीटिंग पे जाना ऑफिशियल। इसने कहा जाए तुम नीचे ये चप्पल पहन के जाओगी तो बहुत सुंदर लगोगी। भागते चोर की लंगोटी ही सही, जाते जाते अपना मुंह लाल करके जा रही हो। गाइस हमारे घर का वो हिस्सा है जिसमें हमारे बंद शूज पड़ते हैं, जो मैले हो जाते हैं यहाँ रख देते हैं ताकि साफ होके वो अंदर आए। यहाँ सब रब है फातिमा, ये बहुत साफ है, इतना साफ है कि तुम इसमें अपना मुंह मैच नहीं हो रहे, गंदे ऊपर से बहुत। तो ये स्पोर्ट्स फैशन वाले जूते लाता कौन अगर? दरवाजा बंद किया फातिमा। निकल चुके हैं हम लोग घर पे, अब इसको हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में फेंकना है ताकि अपना वाइवा दे सके। लड़की का 3 बजे वाइवा था और इस वक्त पूरे 3 बज रहे हैं, और मजाल है कि ये लड़की को कोई फिक्र है किस चीज का वाइवा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, वाकई नहीं पता तुम्हें? अगर इसकी टीचर आप देख रही हैं तो इसको मार्क्स मत दीजिएगा, क्योंकि इसको ये भी नहीं पता कि वाइवा। अगर मैं फोर्थ पर इसकी टीचर तो मैं पूछती बेटा टीचर का नहीं पता। टीचर का पता तुम्हें? चले मैम ममसा प्लीज आप इस लड़की को मार्क्स मत, कुछ ना कहे प्लीज। अब तो पापा कह रहे हैं कुछ ना कहे, खाने में मसरूफ है, और अब यूनिवर्सिटी तुम्हारी आ चुकी है, निकलो अब यहाँ, यहाँ तुम्हें छोड़ेंगे। अब आवाज भी नहीं निकल रही इसकी, शूटिंग कर रही हूं। और अभी तक तुम कोई परफ्यूम लगा रही हो मैंने देखा है। फातिमा बस कर दो, बस कर दो, घर के सारे परफ्यूम खाली करने में हाथ है, और यकीन करें खरीदने में 1% की एक चुवन्नी नहीं लगती इस लड़की की। खाली करने में हाथ आगे आगे और खरीदने में हाथ पीछे पीछे। हाँ ये अपने हाथों को ना बैलेंस में लाओ ताकि जिंदगी भी हमारी बैलेंस में हो, मेरा तो दिल को कुछ हो रहा होता है। चलो जी अब हम निकलने लगे हैं, लेट्स गो। पापा का लाइव कॉन्सर्ट चल रहा है सर, गए हम। ये मैं आई थी यहाँ पे स्टूडियो, और मेरा बड़ा दिल करता है यहाँ, मेरा दिल पाकिस्तान हुआ था रिलीज, और अंदर भी काम शाम चल रहा है, म्यूजिक शूजिक पे काम कर रहा है। मैं आ चुकी थी भाई स्टूडियो से वापस, मेरा फोन बिल्कुल डेड हो गया था, बंद हो गया था, और मेरा सर इतना चकरा रहा था, मैंने आके जो है ना वो अपनी अम्मा से ऑयलिंग कराई है। मेरी अम्मा कह रही है चलो बाहर वॉक करने चलते हैं, लेट्स गो। दरवाजा नहीं बंद करना। मैं बंद कर गई, घर में सिर्फ ज़ैनब है और इकरा कवल जो है वो अपनी अम्मा के साथ वॉक कर रही है। वॉक, जाला इधर कितनी आग लगी हुई है यार,
चेक तो करो, ये पूरी रॉ पे आग लगी हुई है, ये देखो। हाँ, हमारी सोसाइटी की ठंड कम हो गई, ये पूरी सोसाइटी में पता नहीं किस चीज को आग लगाई है। या अल्लाह, वो बच्चे को देखो जरा, ये बच्चा आग लगा रहा है। आग क्यों लगा रहे हो? हंस रहा है रैबिट जैसे दांत निकाल के, अभी गिरने लगा था उसके अंदर। चला जलानी है इसको, लो जलाते हैं, रुको जरा। मेरा मुंह इस वक्त जल रहा है, दूर से इतनी शदीद हीट है, और ये देखो जरा ये आग जलाने लगा है, तो चश्मदीद गवाह। आग खुद ही लग जाएगी, वो इतने खुश्क है कि वो खुद ही डाली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पकड़ रही है। आप चल गई, उन्होंने क्यों लगाई है ये? क्या ये जला क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सारा खाली हो जाएगा। तो ये किसी को दे दें जो जलाते हो उस तरह। ते हैं आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में ये आज ये चीजें सूट कर रही है। देखो लाल हो गया मेरा खुद, देखो फुल लगा हुआ है, पंगे लेने तारा कंगल ने आग लगाई है। ये बेटा आपके पाओ पे लग गया ना, तो मेरे पास कोई चीज भी नहीं बचाने वाली, पीछे हट जा। ये देखो जरा, ये देखो जरा, शरारती बच्चे आजकल के। एलो एलो एलो, बस लग गई लग गई लग गई, बहुत लंबी। गाइस अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अपना लाइव बारबेक्यू, मैं और मम्मी करने लगे। छोटे 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 वो पकड़ते हैं, कहते हैं खुश्क जो लकड़ी होती है ना उसको हमेशा। आई ये लाइस पे इतने कांटे लगे हुए छोटे, पम्मा ये कांटों वाली मेरे है। अच्छा, मेरे हाथ पे बड़ा बुरा कांटा लगा यार, पास नहीं जाया जा रहा, सीरियसली नहीं जाया जा रहा। वो पूरी लाइन देखो, ठंड लग रही है, वो आ जाए। कोई कैसे राख कैसे भस्म हो गया, अब एकदम इसको पकड़ेगी। उधर भी लगाया है, माचिस है। तोबा तोबा दिखाओ काके ने। नाम क्या आपका? आप क्या करते हो, आग लगाते हो बस्तियों में? नहीं। फिर पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? थ्री में। स्कूल कौन सा? तो उधर अब जाके दिखाना, टीचर जी मैं आग लगा के आया हूँ। ये इसका गाना आता है अगला मामा मजबूरी नु? नहीं आता गाना आता आग के रिलेटेड? बच्चा कंफ्यूज कर रही है, ये माचिस लेके घूम रहा है। माँ टीचर, टीचर को कहना व्लॉग में मैं आया हूँ, ठीक है जाके देखना उस वीडियो में, कहना मैं आग लगा रहा था पकड़ा गया, ठीक है? आप ही ने पकड़ लिया मुझे आग लगाते। लग तो जाएगी लेकिन ये पोल्यूशन ही है ना इतनी सारी। ये देखो आसमान पूरा काला हो गया इस वक्त पूरा। मेरी मम्मी भी आग लगाने में तेज, ओहो वैसे नहीं लगाती लेकिन ऐसे। मम्मा ध्यान से क्यों लगा रही है? ये देखो ये तो पूरा हवन बना हुआ है, तो पूरा बाबी की ओर की क्या इसकी। मम्मा ध्यान से, उसको आती है, वो एक्सपर्ट है, आफ्ताब एक्सपर्ट आग लगाने वाला। ध्यान से आफ्ताब, ओ तेरी खैर। उसने फैलती फैलती आग किधर तक फैल गई पता नहीं। उसका बर्फ का सीन दिखाते हैं, पहाड़ों का, ये आग का सीन दिखा रही है देखें। तो ये अब लगी भी है, तो ये गाइस ये ASMR कितना मजे का बना हुआ है, आवाज कितनी अच्छी। वो देखो जरा पूरी वो जल गई है, ये हल्की आंच नहीं है गाइस, आज मेरे ब्लॉग में फुल आंच लगी हुई है, मतलब फुल आंच नहीं फुल आग लगी हुई है। वो भी हंस रहा है बैठ के, ये सारी इस बच्चे ने लगाई, इतना सा पीस है लेकिन आग उसने प्रॉपर लगाई। वो देखो दो आग, जब आग से हुए हाँ जैनब को लेके हैं, जैनब को कॉल करते हैं। मेरा सिस्ट्रोलॉजी, ठीक है सिस्ट्रोलॉजी निकालेंगे ना फिर। हाँ वो तो देखती हैं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? इकरा। आपके ग्रुप में, ठीक है आप देखना, अपने आप को भी देखना, ठीक है। चलो वो देखो जरा, अभी आफ्ताब इस आग के अंदर से गुजरा, हमसे वहां से गुजरा ना, जब वो दौड़े लगाता हुआ वो पहुंच गया उधर। ओ अल्लाह उसको चेक तो करें, ये टार्जन बच्चे करते क्या है? इम्यूनिटी होती है ना अच्छी स्ट्रॉन्ग, आग शाग। ये डाली जली है ना यार, ये जलने का प्रोसेस तो देखो जरा कितना मजे का लग रहा है। वो अब इधर चला गया यार, ये बच्चा पागल हो, आग लग जाएगी तुम्हें? नहीं, नहीं लगती। पता चली है कि जो ग्रीन पौधे होते हैं ये सड़ते नहीं हैं, जितने भी सूखे हुए होते हैं वो जलते हैं। तो अभी यहाँ पे जितने सूखे हुए थे वो सब जल गए हैं, राख हो गए। और ये बैग नीचे रखा हुआ है, स्कूल बैग है, इस्लामियात नहीं है इसमें? नहीं। सोच ले, तो मैं बस बैग चेक करूंगी अंदर इस्लामियात नहीं। इस्लामियात घर है लेकिन फिर भी बुक्स नीचे नहीं रखते होते, इसको पहन लो। ट्यूशन जाना है अभी? नहीं होगा, ये छुट्टी के बाद जो बच्चे हरकतें करते हैं ना वो यही करते हैं। अब ये खत्म हुआ है एरिया तो ये शुरू हो गया, ये इधर भी आग लगा है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये इंतजामिया पहुंची ना तुम्हारे पास,
फिर तो मैं पता लगेगा। अब इसने यहाँ से भागना है क्योंकि पीछे से किसी ने आवाज दी है, इसने पूरे खेत को खेत वो कर दिया है, यहाँ सारा लगा के अब वहाँ की बारी है। ये ला देखा पकड़ा गया वो गार्ड बकर गार्ड लड़का पकड़ा गया आग लगाते हुए, क्योंकि ऑफिसेस के सामने आग लगाई जा रहा था और कह रहा हमारा अपना खेत है। हमने कहा चलो लगे रहो, अभी क्या किया जा सकता है, निकलो यहाँ से। इससे पहले मैं भी उसी में उन्होंने बेस्ट व्लॉगर उधर पहुंची हुई थी जहाँ आग लग रही थी, वाह वेरी नाइस। अभी तो वीडियो देख के लोग पहुंचेंगे पुत्र कितने आग ला रहे हो। अब आके यहाँ बैठ गई हैं, खुद बातों में लगी थी मुझे आग के पास छोड़ के, वहाँ बच्चा पकड़ा गया वो। मुझे जहाँ से कोई मिलता है ना बातें करने के लिए, मैं उसके साथ बातें करने लग गई। हाँ मेरी अम्मा मेरे जैसी हैं बिल्कुल, जो कोई मिल जाए बातें करो, अपना ही मुँह है। इसे सुने इसका दिल चाह रहा है बस सुनते ही जाए। आग भी एक आर्ट है।